आपके लिए कोई संभावना ही नहीं है। साथियों, कल एक पे स्केल को लेकर बात चल रही थी, 1986, 1996, 2006 और अभी 2016 पे स्केल एरियर। हर एक कर्मचारी उस समय यह सोचता है कि वो उस एरियर से अपने परिवार के लिए कुछ जगह जमीन ले, अपने परिवार का कुछ पालन पोषण करे। पर आज का युवा इतना परेशान है कि क्या हम अपने भविष्य के लिए कुछ इस प्रकार की गतिविधि कर पाएंगे। आज सचिवालय में भी एक भरपूर मात्रा में युवा है। उन युवाओं से यह प्रश्न है कि क्या आप ये सपना देख पा रहे हैं कि आपका भी एक आशियाना होगा? नहीं। क्या आपको भी ये लग रहा है कि उनकी तरह आपका भी कोई एक छोटा सा चार दीवारी का आशियाना शिमला में आप बनाने की सोच रख पा रहे हैं? आप डीए की बात चल रही थी, 6 महीने हम इंतजार करने के लिए जो हमें कहा जा रहा है, 20% कम से कम उस वक्त ड्यू हो जाएगा। यदि 20% के लिए सरकार कहती है कि हम एक मुश्त देने के लिए तैयार हैं, तो शायद कर्मचारी उस बारे में सोचे भी। पर 4% के लिए हमारी लड़ाई 6 महीने तक खींचने नहीं वाली। हमें यह आज चाहिए, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। अब बात करते हैं पिछले कल की। माननीय सम्माननीय मंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दी, वर्तमान में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं कर्मचारियों को, भविष्य में इन्हें भी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। माननीय मंत्री महोदय, 31 दिन महीने के 31 दिन कोल्हू के बैल की तरह एक कर्मचारी पिसता है और 1 तारीख को जो उसका निचोड़ निकलता है उसे सैलरी कहा जाता है, बेनिफिट नहीं। माननीय मंत्री महोदय, जो आप बेनिफिट का नारा आप हमें दे रहे हैं, बेनिफिट इसे नहीं कहते। जो बेनिफिट्स का आप हवाला दे रहे हैं, बेनिफिट्स जिस प्रकार से आप लोगों को मिलते हैं उसे बेनिफिट्स कहते हैं। मैं केवल 2 बेनिफिट्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सिर्फ 2 बेनिफिट्स। एचआरए 60,000 के करीब उन्हें एचआरए मिलता है। हर एक कर्मचारी को न्यूनतम 600 से 2,000 के करीब एक हमें एचआरए मिलता है। एचआरए की अगर हम बात करें, जितना उन्हें एचआरए मिलता है उतनी तो शायद हमारी तनख्वाह भी नहीं है। दूसरे विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आप बताइए, आपको टेलीकम्युनिकेशन यानी मोबाइल अलाउंस 15,000 से 20,000 के करीब मिलता है, क्या कौन सा एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है महोदय जो आपसे 15,000-20,000 का बिल आपको थमा रही है? हमें बताइए, हम वहां जाकर उनके सामने हम कर्मचारी मोर्चा खोलेंगे कि माननीय मंत्री महोदय को ऐसा कौन सा बिल आप थमा रहे हैं जिसका बिल आप 15,000 थमा रहे हो। कर्मचारी वर्ग 600-700 रुपए में अपना मोबाइल का रिचार्ज कराने योग्य है, पर मंत्री महोदय का बिल 15,000 आ रहा है, काफी चिंता का विषय है। दूसरी ओर माननीय मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा कर्मचारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है,
हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। माननीय मंत्री महोदय से हमें इस प्रकार की उम्मीद थी कि सारे मंत्री महोदय इस प्रकार से कुछ सोच रखे और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष वो एक साथ जाए और हमारी समस्याओं को लेकर बात रखे, पर हमारे माननीय मंत्री महोदय जिस प्रकार से हमें डरा धमकाकर हमें ये कहकर प्रताड़ित करना चाह रहे हैं कि उनके पास कोई नोटों की मशीन नहीं है, तो मंत्री महोदय हमारे घर पर भी कोई नोटों की मशीन नहीं है। यही फर्क है एक लीडरशिप और डिक्टेटरशिप में। एक छोटा सा विषय मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूं। सचिवालय में आउटसोर्सिंग प्रथा की ओर नारेबाजी आपको भी सुनाई दे रही होगी। आउटसोर्सिंग प्रथा की ओर आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग प्रथा उनके चहेतों को, ठेकेदारों को इस प्रकार से दी जा रही है कि केवल उनकी जेबें भरे। किसी भी युवा के लिए आउटसोर्सिंग किस प्रकार का विकल्प है, ये हर एक कर्मचारी, हर एक युवा इस बात का जवाब उन्हें अपने स्तर पर दे। ज्यादा लंबा मैं अपना विषय नहीं खींचना चाहता, समय का अभाव है, पर मैं केवल जल्दी जल्दी आपको दो बातों की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा। सच्ची बात है भाई जी, बोलो आप। ठीक है, धन्यवाद। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। हमारे सचिवालय में स्थिति इस प्रकार की है कि किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को किसी भी पदोन्नति पे एक रुपए का भी लाभ नहीं दिया जा रहा। किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति लेने का इस समय मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक रुपए का भी जहां लाभ की बात आती है तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि आपको पहले ही बहुत कुछ दे दिया हमने। दूसरी ओर इलर्चनी बिल्डिंग के समक्ष दो ब्लॉक, हमारे ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 5 तोड़े जा रहे हैं। जो लोग, जो परिवार वहां इतने वर्षों से रह रहे थे, उन्हें आपने इस प्रकार से बेघर कर दिया जैसे वो कोई पराये लोग थे। उसके तर्ज पर आप लोग उन्हें ऐसी जगह पर एक स्थान दे रहे हैं जहां पर एक डबल बेड लगाने तक की जगह नहीं है। साथियों, विषय तो बहुत सारे हैं, पर समय का अभाव है। इसी के साथ अंत में आप लोगों से गुजारिश है, अपने कर्मचारियों का एक जोश दिखाइए। एक नारा इस प्रकार से होना चाहिए कि बिल्डिंग की जो अंदर हमारे सचिव बैठे हैं उनकी कुर्सियां हिल जाए। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज तो, आवाज तो। धन्यवाद जी, बहुत अच्छे विचार थे आपके। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री सिंह, जो कि जनरल सेक्रेटरी है ड्राइवर एसोसिएशन के, इनके विचार सुनिए। सबसे पहले तो मेरा अनुरोध रहेगा इस सारे थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाएं, क्योंकि हेलो मैं एक
नारा दूंगा और वो नारा जो है शिमला में नहीं हिमाचल प्रदेश के कोने तक उसकी आवाज पहुंचनी चाहिए। इस बिल्डिंग तक नहीं, निचली बिल्डिंग तक नहीं, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो अंबेडकर, आवाज दो अंबेडकर। सबके हाथ खड़े होने चाहिए, अभी हाथ किसी के खड़े नहीं है। पीछे जितने भी हमारे कर्मचारी है, ये हमारी लड़ाई नहीं है भाइयों, ये पूरे प्रदेश की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। महासंघ के प्रधान श्री संजीव शर्मा जी और हमारी टीम के सभी सदस्यगण, इस प्रणांगण में आए हुए सभी कर्मचारीगण, मुझे अपने रिटायर अधिकारी और कर्मचारीगण दिख रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अदर डिपार्टमेंट से पूरे हिमाचल प्रदेश से जो यहाँ कर्मचारी और अधिकारी आए हैं, मैं उनका भी इस प्रणांगण में स्वागत करता हूँ। मैं इन बच्चों का भी स्वागत करता हूँ जो आउटसोर्स के बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। कितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तरफ से तो हमारे मंत्री जी की स्टेटमेंट सबने सुन ली होगी, कैबिनेट स्तर के मंत्री है, वो कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है। इस सरकार को, हिमाचल प्रदेश में सरकार को कर्मचारी बनाते हैं और कर्मचारी ही उतार देते हैं। हम कोई भिखारी नहीं है, हमने काम किया है, हमारे भाइयों ने काम किया है, जो आज सेवानिवृत्त हो गए उनको क्या जरूरत है यहाँ आने की, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ हमारे बीच में आए। मंत्री जी की स्टेटमेंट देखो, अरे मंत्री जी आप 30 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं कर्मचारी की लड़ाई तब लड़ूंगा, मैं अपनी गाड़ी को विड्रॉ कर रहा हूँ आज ही, मैं अपने पूरी सैलरी को जो है अपने सीएम राजकोष में देता हूँ, मैं तब मानता हूँ मंत्री जी की स्टेटमेंट। रही स्केल की बात, 2016 में हमारा पे स्केल रिवाइज हुआ था, 2022 में सरकार बीजेपी की थी, जिन्होंने हमें जो है 50,000 जो है एक किस्त दी है, वो भी भाइयों हमें मिली है, कुछ हमारे भाई कॉरपोरेशन के होंगे इधर, उन्हें वो भी किस्त नहीं अभी मिली है। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, इन लोगों ने क्या गुनाह कर दिया हमारे बोर्ड और कॉरपोरेशनों ने, क्या हमारे कर्मचारी नहीं है? अधिकारी को आपने कुछ देना है, रातों रात फाइल चले जाती है, रातों रात ऑर्डर हो जाते हैं। दूसरी बात चलती है हमारी एरियर की, 12% हमारा ड्यू है, सबको पता है, उसके विषय में नहीं, 4% अभी इन्होंने अप्रैल में दिया, सब भाइयों को पता है 4% दिया, उसका एरियर है तो है, कहाँ है बताइए हमें। ओपीएस दी इन्होंने, हम धन्यवादी है सुखू जी के, लेकिन जो ओपीएस का पैसा, जो सरकार का अपना फंड है, वो इनके पास कहाँ है, कहाँ गया वो? एनपीएस में उनकी इनका फंड जाता था सरकारी, वो भी इन्होंने यहाँ रोक दिया, कहाँ गया पैसा? दूसरे दिन स्टेटमेंट आ जाती है हमारी कि कर्मचारियों के नाम से जो है 1,000 करोड़ रूपये लिया जा रहा है, कर्मचारियों के भत्ते के लिए जो है 1,000 करोड़ रूपये, कहाँ है करोड़ों रूपये, कहाँ गए हो बताए हमें। सीएम साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, टेबल टॉक के लिए हमें बुलाए, हम उनको आर्थिक दशा के लिए हम सुधारेंगे, कैसे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक दशा सुधरेगी। हमने अधिकारियों की गाड़ी के लिए कोई छीनने की बात नहीं की, गाड़ी मिलनी चाहिए अधिकारी को, लेकिन जो 4-4 गाड़ी इन्होंने रखी है, उस एक गाड़ी का भी ये इस्तेमाल कर सकते, क्या यहाँ बचा नहीं हो सकता? कंटेन की चाय आती है, करोड़ों रुपए का बिल आ जाता है, क्या यहाँ बचाव नहीं हो सकता? सीएम साहब आप
गरीब के मसीहा है, लेकिन जो आपके सलाहकार है, जो आपको सलाह देते हैं ना, उनकी सलाह से आप थोड़े बच के रहिए। अब मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, प्रवक्ता बहुत है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। साथियों, अभी मेरे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि ये आंदोलन क्यों चल रहा है, तो मैंने बताया और कहा कि भाई कौन कौन सी लिस्ट गिनाऊं। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, अगर सचिवालय की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काउंट करने के लिए देखो, सचिवालय सबसे पहला ऑफिस है, मतलब सरकार का। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंट करने के लिए डिपार्टमेंट में हो गई, ऑर्डर हो गए, लेकिन सचिवालय में अभी तक नहीं हुए। साथियों, मैं यहाँ प्रदेश के समस्त कर्मचारी संगठनों का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना पूर्ण समर्थन तथा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल प्रदेश फुरेंस एसोसिएशन के प्रधान श्री प्रकाश बादल जी का, उनके कार्यकारिणी का, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रधान श्री पवन जम्वाल जी का तथा इनकी कार्यकारिणी का, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष श्री हीरा लाल वर्मा जी का एवं इनके कार्यकारिणी का, हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के प्रधान श्री आत्मा राम जी का एवं इनकी कार्यकारिणी का, हिमाचल पेंशनर एसोसिएशन के हिमाचल प्रदेश सचिवालय पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी जन हमारे नीलम जी यहाँ सामने हैं, मदन जी हैं और भूप राम जी वगैरह हैं, इन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष श्री आशाराम जी का, एचपी हाई कोर्ट एसोसिएशन के प्रधान श्री हेतराम जी का, हिमाचल प्रदेश कॉलेज लेक्चर एसोसिएशन का, हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा जी का तथा उनकी समस्त कार्यकारिणी का, जेव आईटी एसोसिएशन के प्रधान श्री वेद प्रकाश जी का तथा महासचिव का, हिमाचल डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान श्री प्रधान का नाम मुझे नहीं मालूम है, जल शक्ति विभाग के एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रधान श्री एल डी आर चौहान जी का, बिजली बोर्ड के ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बलवंत जी का, बहुत सारी और एसोसिएशन है, सब ना पाना मुश्किल होगा। तो मैं पूरे प्रदेश की जो भी कार्यकारिणी है उनका यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार उनके लिए तालियां बजा दी जाए। साथियों, आपको पता लगी क्या होगा कि सचिवालय की चिंगारी कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है और उस चिंगारी को ज्वाला का बनाने का काम कल हो चुका है। साथियों, कर्मचारी चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो बॉर्डर का हो, बॉर्डर पे हो, चाहे वो सचिवालय में हो, वो पूरे अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपनी सरकार के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी से काम करता है। सचिवालय का कर्मचारी पूरी वफादारी और ईमानदारी से काम करता है। जैसे कि अभी विधानसभा सेशन आ रहा है, रिप्लाई विधानसभा क्वेश्चन के रिप्लाई बनेंगे, सरकार जो मर्जी हो, हमारा अधिकारी और कर्मचारी इस तरह से रिप्लाई बनाता है कि सरकार के ऊपर कोई भी आंच नहीं आती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये सोचने का विषय है, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि कर्मचारियों को आज आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हर कोई बेवफा नहीं होता। साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा बोधराज चंदेल जी का, पीए प्राइवेट सेक्टर सेशन के जो उप प्रधान है उनका। सचिवालय के प्रांगण में उसने हमारे
अध्यक्ष, स्टेज पर विराजमान श्री संजीव शर्मा जी, समस्त कार्यकारिणी, समस्त संघ और बाहर से आए विभिन्न संगठनों के संघ, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा, और हमारे पेंशनर्स और दूसरे जो बाहर के डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, मैं उन सभी का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मीडिया वालों का भी, सीआईडी वाले और भी विभागों के जितने भी यहाँ अधिकारी कर्मचारी सचिवालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। साथियों, बहुत सारी बातें आ गई, ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमेशा सरकार के साथ होता है, लेकिन अगर सरकार ये समझे और उनका सहयोग लेना जाने तो, साथियों, अगर सरकार हमारी, प्रशासन हमारी छोटी छोटी मांगों को पहले ही मान लेते तो आज शायद ये उग्र रूप इनको देखने को ना मिलता। ये बड़े खेद का विषय है दोस्तों। आज एक एक कर्मचारी अधिकारी चार चार लोगों का काम देख रहा है, उसके बावजूद भी ये बोलते कि कर्मचारी प्रदेश को खा गए।